यूनिक एम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों आपको पता ही है कि अपन क्या कर रहे थे, बारक का जो प्रोवेसर पेपर है उसका मॉडल पेपर बनाकर उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। इसी सीरीज में अपन ने इसका जो प्रथम भाग है 21% का सॉल्यूशन करा चुके हैं। आज हम 22% से शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप जरूर देख लीजिए। चलो मित्रों शुरुआत करते हैं, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक स्विच को हमेशा ही खाली स्थान के श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, यानी स्विच को किसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, न्यूट्रल तार के साथ, फेज तार के साथ, ग्राउंड तार के साथ या कहीं भी। तो मित्रों में से फेज तार के साथ क्या है स्विच को जोड़ा जाता है, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जहाँ पर यांत्रिक और अग्नि की सुरक्षा की आवश्यकता हो वहाँ पर कौन सी वायरिंग की जाती है, वहाँ पर कौन सी करते हैं, कैसिंग कैपिंग करते हैं, बैटन करते हैं, पीवीसी करते हैं, नलिका युक्त वायरिंग करते हैं। तो मित्रों जहाँ पर यांत्रिक और अग्नि की सुरक्षा हो वहाँ पर क्या हमें कंड्यूट पाइप यानी नलिका युक्त वायरिंग की जाती है, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 एम्पियर की विद्युत धारा और 1 2 ओम के प्रतिरोध के फिलामेंट में से गुजरता है तो तब ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी। अगर मित्रों मैंने इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने क्या वाट में दे रखा है, लेकिन ऊष्मा में से क्या है जूल के अंदर होती है। तो इसके हिसाब से उसने या तो पावर पूछा है या इसने क्या टाइम के अंदर 1 सेकंड समय दिया है, तो ये हो सकता है। अगर हम इसकी पावर की बात करें तो पी बराबर क्या होता है, I² × R होता है। I² × R के हिसाब से करें तो इसके अंदर 2 × 2 × 2 × 2 यानी 8 आएगा। अगर इसके अंदर अपन टाइम 1 सेकंड माने तो भी इसका आंसर 8 आता है, और वैसे भी करें इसके पावर ज्ञात करें तो भी इसका टाइम कितना मानेगा, 8 आएगा। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से सीधा देखा जाए तो मान 8 के हिसाब से चलें तो 8 वाट हो सकता है इसका, 8 जूल हो सकता है। अगर या ऑप्शन में रहूँगा या क्वेश्चन देने में इसका रॉन्ग कर दिया है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों कि जो एक 3 फेज स्टार संयोजन है में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कितना गुणा होती है। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध होता है मित्रों, तो VL बराबर यानी लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 VP यानी फेज वोल्टेज। तो इसने क्या पूछा है, लाइन वोल्टेज का कितना गुणा पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, √3 का अगर भाग दे दें किसके अंदर, VL के अंदर, तो इसकी क्या आ जाएगी, इसकी VP आ जाएगी। तो इसमें जैसे भाग देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0.577 से अगर इसको गुणा कर दें, यहाँ पर 0.577 से गुणा कर दें तो इसका मान क्या आ जाएगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इसका मान आ जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युतीय वायरिंग में रिक्त स्थान का रंग ग्राउंडिंग के लिए प्रयोग करते हैं, जो अर्थिंग वायर है वो कौन सा प्रयोग करते हैं, लाल करते हैं, पीला, नीला या हरा रंग। तो मित्रों अर्थिंग तार प्रयोग करते हैं वो के हरे रंग का होता है, लाल, पीला और नीला ये तीनों फेज के लिए प्रयोग करते हैं, और काला रंग किसके लिए प्रयोग करते हैं, न्यूट्रल तार के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है। तो शुद्ध जो प्रतिरोध है उसका पावर फैक्टर कितना होता है, 1 I होता है। इसके अलावा 2 शुद्ध परिपथ और होते हैं, कौन से होते हैं, एक तो होता है शुद्ध इंडक्टिव और एक शुद्ध कैपेसिटिव होता है। तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर होता है हमें सही, शुद्ध इंडक्टिव होगा लैगिंग मित्रों 1 से कम, और जो कैपेसिटिव परिपथ है उसका 1 से ज़्यादा होता है, यानी इकाई उसे लीडिंग कहते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूरी तरह से चार्ज की गई लेड एसिड सेल का इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो कितना होता है। तो मित्रों इसका विशिष्ट गुरुत्व मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी आ जाएगा। लेकिन वास्तविकता में से पूर्ण चार्ज लेड एसिड सेल का जो अपेक्षित घनत्व उसका मान कितना होता है, 1.250 से लेकर 1.2820 तक होता है। ये ऑप्शन मैंने नहीं मिला, लेकिन ये ऑप्शन इसके नज़दीक है तो ये ऑप्शन इसको माना जा सकता है अपन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक केबल के जो भौतिक नुकसान से बचाता है, इन केबल का जो भौतिक नुकसान है उसे किस कौन सा बचाएगा, आर्मरिंग, कनेक्टर, इंसुलेटर या शीथ। तो मित्रों जो आर्मरिंग किसकी की जाती है, तो आर्मरिंग की जाती है मैं बता देता हूँ आपको, आर्मरिंग की जाती है लोहे की जो पत्तियाँ प्रयोग की, कंडक्टर जिसमें से धारा प्रवाहित होगी, इंसुलेशन जो कंडक्टर के ऊपर चढ़ाया जाता है, एचाला कारण हो गया, शीथ जो केबल को क्या बताती है, नमी से और किस भौतिक नुकसान से बचाती है, यानी दबाव को सहन करने की क्षमता केबल के अंदर प्रदान करती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके साथ ही क्या केबल, इसके अलावा केबल के अंदर 2 और कौन होते हैं, सर्विंग और बेंडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निम्न में से कौन सा एक पदार्थ कौन सा जो सक्रिय यानी एक्टिव घटक के अंदर रहते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक्टिव घटक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रयोग, ये 2 घटक होते हैं, एक्टिव घटक और पैसिव घटक। जो एक्टिव घटक होते हैं वो ओम और जूल के नियम का पालन नहीं करते हैं, और जो पैसिव घटक है यानी एस्क्रिय घटक है वो ओम और जूल के नियम का पालन करते हैं। तो इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, जो जूल के और ओम के नियम का पालन करते हैं, संधारित्र, इंडक्टर और प्रतिरोधक आते हैं। जो ट्रांजिस्टर है वो ओम और जूल का नियम का पालन नहीं करते, अर्थात ये क्या है, सक्रिय घटक के अंदर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित 3 फेज प्रणाली के अंदर तीनों फेजों में जो
कोण होता है प्रत्येक फेज के बीच में, वो कितने डिग्री होता है आपको पता ही है कि प्रत्येक फेज के अंदर क्या 360 पूरा होता है, 360 उसमें से क्या है 120 डिग्री प्रत्येक फेज के अंदर अंतर होता है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 3 फेज 4 पोल 50 टच इंडक्शन मोटर की गति कितनी होगी? तो गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए मित्र, एन बराबर होता है एफ इंटू 120 बटे में पी होता है। इस सूत्र के हिसाब से अगर मान रखें अपन, तो एफ का मान इसके अंदर कितना दे रखा है, 50 टच दे रखा है, और 120 का मान 120 रख देते हैं, और पोल इसके अंदर कितने हैं 4। जैसे इसको काटे पिटे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, 30 को 50 से गुणा करेंगे तो 150 और शून्य का शून्य 1500 इसका आंसर आ जाएगा, 1500 रुपये में इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी ऐसी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा जहाँ पर थीटा एक फेज कोण है? तो पावर फैक्टर किस क्या होता है, कोस फाई इसका मान होता है, यानी कोस फाई का जो थीटा का यहाँ पर क्या कोई भी कोण दिया वही इसका क्या पावर फैक्टर मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अपसरण के अंदर जो प्रतिबिंब तापमान है वो कितना होता है? तो अपसरण के अंदर 155 डिग्री तापमान होता है। इसके अंदर 7 सीरीज काम में ली जाती है, कौन कौन सी होती है, वाई सीरीज, ए सीरीज, ई सीरीज, बी सीरीज, एफ सीरीज, एच सीरीज और सी सीरीज। इसके अंदर क्या है, जो वाई सीरीज है इसके अंदर क्या 90 डिग्री तापमान होता है, ए सीरीज है इसके अंदर 105 डिग्री तापमान तक ये सहन कर सकते हैं, ई सीरीज के अंदर 120 डिग्री तापमान सहन कर सकते हैं, और बी सीरीज के अंदर कितने तापमान कर सकते हैं, तो 130 डिग्री सहन कर सकते हैं, और अफ श्रेणी के अंदर 155 डिग्री, और एच श्रेणी के अंदर ये तापमान सहन कर सकते हैं 180 डिग्री तक, और सी श्रेणी 180 डिग्री से ज़्यादा तापमान सहन करने वाले पदार्थ के अंदर इंसुलेटर होते हैं इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि 1 HP यानी 1 HP बराबर कितना वाट होता है? तो 1 HP के अंदर दो अलग अलग प्रणाली है, एक तो मीटर के अंदर कितना होता है, तो 735.5 वाट होते हैं, और जो ब्रिटिश प्रणाली इसके अंदर क्या है 746 वाट होता है। दोनों में से अगर कोई ऑप्शन है वो भी सही मान लिया जाएगा, इसके अंदर 746 दिया गया है। तो आज के बस मित्रों इतना ही, आगे बचे हैं 15 क्वेश्चन, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलो मित्रों चलता हूँ, ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ पास में जो बेल आइकन का बटन उसे दबा लीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले